नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 13 मार्च। चलिए जानते हैं बिहार से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। 23 मार्च से मिलने लग जाएंगे बीएड के एडमिट कार्ड। बीएड की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बीएड परीक्षार्थियों को अब 23 मार्च से एडमिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि मिथिला विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। ज्ञात हो, आयोजित होने वाले इस परीक्षा में लगभग 14,855 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। बीपीएससी ने जारी किया अपना नया नोटिफिकेशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में सिविल जज पद के 31वें जुडिशियल सर्विसेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास एलएलबी में डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 मार्च तक www.bpsc.bih.nic.in पर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की। जॉर्ज ऑरवेल मूल रूप से एक पत्रकार थे, जिनका जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 25 जून 1903 को हुआ था। पत्रकार के अलावा जॉर्ज एक लेखक, निबंधकार और एक समीक्षक थे। ऑरवेल का पूरा नाम एरिक ऑर्थर ब्लेयर था, मगर जॉर्ज के पैदा होने के महज एक साल बाद ही जॉर्ज की माँ उन्हें लंदन लेकर चली गई थी। हालांकि जॉर्ज कभी बिहार तो नहीं आए, मगर उनके जीवन में अहम पन्नों में बिहार का नाम दर्ज हो गया है। शिक्षकों के वेतन वृद्धि का सरकार जल्द ही कर सकती है ऐलान। समान काम समान वेतन की मांग पर बैठे सभी नियोजित शिक्षकों को सरकार अब थोड़ी राहत दे सकती है। इतना ही नहीं, सरकार अब सेवा शर्त भी लागू करने का ऐलान कर सकती है। खबरों की माने तो बजट सत्र के दौरान बिहार सरकार सभी नियोजित शिक्षकों को समान सेवा शर्त और वेतन वृद्धि का तोहफा दे सकती है। 14 मार्च के बाद सभी शुभ काम में आ सकती है बाधा। 14 मार्च से एक बार फिर से खरमास के योग्य दशा बनती नजर आ रही है, जिसके बाद से आने वाले एक महीने तक एक बार फिर से सभी शुभ कामों पर अंकुश लग जाएगा और न ही किसी शादी विवाह का आयोजन किया जा सकेगा। वहीं आम नागरिकों को खरमास के समय सूर्य और श्री हरि विष्णु की आराधना करने की सलाह दी गई है। राकेश पांडे बने पीएम जन कल्याणकारी योजना के ब्रांड एम्बेसडर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के लिए बिहार के युवा उद्यमी राकेश पांडे को प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने राकेश पांडे को पत्राचार के आधार पर नियुक्त किया है, साथ ही उन्हें इस नए काम के लिए ढेर सारी बधाइयां भी दी है। मधेपुरा की बेटी कृपाधनराज बनी मिस पटना। पटना में हाल ही में आयोजित मिस पटना 2020 में मधेपुरा की कृपाधनराज ने जीत अपने नाम दर्ज की है। कृपाधनराज को राजबिहारी उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, जहां पर उन्हें पाग और बुके देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद मधेपुरा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है। राज्यसभा सीट के लिए राजद के दोनों उम्मीदवारों ने किया नामांकन। अपने वादे से मुकरी राजद ने राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपने ही उम्मीदवार के नाम को आगे भेजा है, जिसके तहत राजद उम्मीदवार प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह ने नामांकन भर दिया है। ज्ञात हो, राजद के दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह की उपस्थिति में ही भरा है। इंटरलॉकिंग के काम के चलते इस रूट की सभी रेलगाड़ियां होंगी प्रभावित। आज से शुरू होने वाले नन इंटरलॉकिंग काम के चलते विक्रमशिला स्टेशन पर कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहने वाली है, जिसके तहत 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक साहिबगंज भागलपुर पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, निर्धारित अवधि तक दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस कहलगांव के भी प्रभावित रहने का आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को हैंडओवर करने का दिया आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया है, जिसके तहत उन्होंने वहां मौजूद सभी अधिकारियों से निर्माण काम में तेजी लाने की अपील की है। साथ ही जुलाई तक हैंडओवर करने का भी आदेश जारी किया है, जिसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहटा में बनेगा एनआईटी का कैंपस, डीपीआर हुआ तैयार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना का नया कैंपस अब बिहटा में जल्द ही बनने जा रहा है, जिसके लिए 474,47,48,364 रुपए की राशि आवंटित की गई है। इतना ही नहीं, नवनिर्मित इस कैंपस के लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है, जिसको की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने भी मंजूरी दे दी है। SBI ने अपने सभी ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। SBI ने सभी खाता धारकों के लिए अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी कार्ड धारक को अपने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि अब SBI बैंक धारकों को मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि लगभग 40,000 खाता धारकों को राहत मिलेगी।
इंटरमीडिएट की सभी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की तारीख अब 14 मार्च तक, 9 मार्च तक होने वाले इंटरमीडिएट कॉपी जांच की तारीख को आगे बढ़ाकर 14 मार्च तक कर दिया गया है, जिसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से खुद दी है। खबरों की माने तो नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने के बाद इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन में काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी, जिसको देखते हुए बिहार बोर्ड ने तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अभ्यानंद ने अपने आप को अभ्यानंद सुपर 30 से किया अलग। डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद छात्रों को आईआईटी की तैयारी करवा रहे अभ्यानंद ने अपने ही संस्थान अभ्यानंद सुपर 30 को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। खबरों की माने तो अभ्यानंद ने यह फैसला राजद द्वारा अमरेंद्रधारी सिंह को राज्यसभा चुनाव में भेजने के कारण लिया है, जिसका ऐलान उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से किया है, जिसके बाद छात्रों के भविष्य पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। टीईटी शिक्षक आज सामूहिक तौर पर अपने बालों का करेंगे त्याग। 27 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे 1.25 लाख शिक्षकों ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि अगर बिहार सरकार ने उन्हें नियमित शिक्षक बनाने का आश्वासन नहीं दिया तो 13 मार्च को सभी 1.25 लाख शिक्षक अपने बालों का त्याग करने वाले हैं, जिसके बाद ये सभी शिक्षक अपने बाल को नियमित शिक्षकों से मिलाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। होली के बाद वापस जाने वालों की मुश्किलें बढ़ी। होली का त्यौहार अब खत्म हो चुका है, ऐसे में अब वापस जाने वाले लोगों की कतार बढ़ती ही जा रही है। वापस लौटने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि तत्काल टिकट लेने वालों की लाइन भी लंबी हो गई है। पटना से जाने वाली ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, दानापुर पुणे, संगमित्रा समेत सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट से यात्री परेशान हैं। मधुबनी में कोरोना के पाए गए 2 नए लक्षण। नेपाल से लौटे 2 युवाओं में कोरोना के होने की खबर सुनने के बाद मधुबनी जिले में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अभी इन दोनों युवाओं में कोरोना के होने की पुष्टि नहीं की गई है, मगर शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने कोरोना की आशंका जताई है। अभी फिलहाल दोनों ही युवक सदर अस्पताल में रखे गए हैं। एडी सिंह को टिकट दिए जाने पर पप्पू यादव ने कसा तंज। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव इन दिनों अपनी सेहत को लेकर दिल्ली में हैं, मगर उन्हें बिहार की राजनीति में जारी हर हलचल की बखूबी खबर है। इसी क्रम में राजद द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए अमरेंद्रधारी सिंह के नाम को भेजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि राजद केवल धनवीरों को ही टिकट देती है। राजद के राज्यसभा उम्मीदवारों पर जदयू ने भी कसा तंज। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों को लेकर अब राजनीतिक गलियों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में जदयू नेता अजय आलोक ने राजद की चुटकी लेते हुए एडी सिंह के बारे में सवाल किया है और कहा है कि राजद में आए दिन ऐसे बदलाव देखने को मिलते रहते हैं, यही राजद का चरित्र है। तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, राजद पूर्ण रूप से लोगों की ही है पार्टी। राजद द्वारा अमरेंद्रधारी सिंह को टिकट देने के बाद सियासत तेज हो गई है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि हमारी पार्टी A to Z लोगों की पार्टी है। इस समय में अमरेंद्रधारी सिंह को नहीं पहचानने वाले क्या ये भूल गए कि कुछ दिन पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को भी लोग नहीं पहचानते थे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,660 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,660 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 74.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 67.75 रुपए प्रति लीटर था। महाराष्ट्र सरकार ने टिकट की बिक्री पर लगाई रोक, तो वहीं मोदी सरकार ने लगाई खिलाड़ियों के वीजा पर रोक। कोरोना से इस साल खेले जाने वाले आईपीएल से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए टिकट बिक्री पर रोक लगा दी थी। वहीं अब केंद्र सरकार भी 15 अप्रैल तक सभी विदेशी खिलाड़ियों के वीजा पर रोक लगाने वाली है, यानी कि अब 15 अप्रैल तक किसी भी विदेशी खिलाड़ी के भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसकी जानकारी बीसीसीआई ने खुद ही अपने आधिकारिक वेबसाइट से दी है। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे ही सही, मगर लोगों को राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार है, तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से बादलों का आना जाना लगा रह सकता है। आरके सिन्हा को टिकट नहीं मिलने से कायस्थ समाज में नाराजगी। आरके सिन्हा की राज्यसभा की सीट जाने से कायस्थ समाज के लोग काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसके तहत अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष रविनंदन सहाय ने भाजपा को कायस्थ विरोधी बताया है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इस फैसले के लिए भारी कीमत चुकाने का भी दावा किया है।
बिहार दिवस का आयोजन होगा पटना के गांधी मैदान में। 22, 23 और 24 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का आयोजन इस बार पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। इसको लेकर फैसला ले लिया गया है। खबरों की माने तो आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी जिलों में SRC, KRP तथा जिले की कला टीम के 12 कलाकार भाग लेंगे, जो बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी कला प्रस्तुत करेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है विनय कुमार रॉय, रंजीत मेहता, संजीत पासवान, मोहम्मद रियाज, कुंवर सिंह, कैफ आलम, विकी कुमार, सबीर आलम, प्रेम शंकर, बाबूलाल यादव, प्रीतम कुमार, ऋषभ कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। लंबे समय से नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो क्या ऐसे में सभी शिक्षकों को अपनी जिद को छोड़कर काम पे वापस लौट जाना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।